गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आई टी पी एम टी अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट माई नेम इज़ रोहित, टूडेज माई चैप्टर इज लिमिट। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन पावर इन्फिनिटी। तो आज का ये जो टॉपिक होगा वो बेस्ड ऑन होगा वन पावर इन्फिनिटी। इसके पहले के जितने भी मैंने लेक्चर्स बताए हैं बच्चों, उसमें जीरो बाई जीरो फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म यानी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो एल हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है। तो देखिए वन पावर इन्फिनिटी के केस में जो हम लोग पढ़ते हैं उस पर टॉपिक है वन पावर इन्फिनिटी। देखिए फर्स्ट आप जानिए पहले कि a की अपॉन b की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अगर a बड़ा है b से तो वैल्यू क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। और a लेस देन b है तो आप लिखते हैं जीरो, और अगर a इक्वल टू b है तो इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर a इक्वल टू b है तो वन पावर इन्फिनिटी, ये कौन सी फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए जैसे सपोज दैट थ्री अपॉन टू की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला मिलेगा, फर्स्ट फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस x की पावर वन बाई एक्स ई होता है। तो देखिए यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये वन हो जाएगा, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म है, वन पावर इन्फिनिटी। सेकेंड केस है कि लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस लेमडा x पावर वन बाई एक्स, तब आंसर आएगा e की पावर लेमडा। देखिए इस केस में जीरो लिमिट है, इस केस पे भी जीरो है, और वन पावर इन्फिनिटी वाला भी है। अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी थर्ड केस है जब यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी गिवन होगी, ठीक है, और इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स होल पावर एक्स। देखिए इसका रिवर्स हो गया, तब भी आंसर क्या आएगा, ई। फोर्थ केस है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस लेमडा वाई एक्स की पावर एक्स, तो आंसर आएगा ई की पावर लेमडा। तो देखिए देयर आर टोटल फोर केसेस फॉर वन पावर इन्फिनिटी। इस केस का भी आंसर है ई, इस केस में लेमडा है तो ई की पावर लेमडा, और इस केस में वन पावर इन्फिनिटी है तो ई और लेमडा इंक्लूडेड है तो ई की पावर लेमडा। अब प्रूफ देखिए कि हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। फर्स्ट इसमें हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, पहले प्रूफ करेंगे, देन वर्किंग करेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ की बात करते हैं। देखिए लेट कर लिया हमने कि y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस x की पावर x है, क्लियर, सॉरी वन अपॉन x है, ठीक है। अब यहां पर जीरो पुट करेंगे तो वन प्लस जीरो वन, वन पावर इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म बन गई, वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई स्टूडेंट। अब वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम यहां पर देखते हैं इसे हम लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और इसमें लॉग का मीनिंग है कि ln जिसका बेस e है, इसमें बेस क्या लेंगे e, तो यहां हो जाएगा ln y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो ln वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स, यानी लॉग का बेस e लिया गया है, लॉग का बेस e, इसलिए ln बोला जा रहा है। तो यहां पर डिफ्रेंशिएट कर, यहां पर log ln y हो गया, और यहां पर देखिए log को ब्रेक करेंगे, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी वन अपॉन एक्स ln वन प्लस एक्स हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे लिमिट पुट करिए जीरो, तो लॉग वन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है ये वाली वैल्यू, कौन सी फॉर्म है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो देखिए जीरो बाई जीरो फॉर्म को एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो ये डायरेक्टली क्या होता है, वन होता है, मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखाई थी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, टोटल क्या होता है वन। तो यहाँ हो गया बेटा एल एन वाई इक्वल टू वन, एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है, एंटी लॉग यानी वाई इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर वन
यानी आंसर क्या आ जाएगा, ई। तो देखिए एलन यहाँ पर लॉग है, क्योंकि लॉग का बेस ई लिया गया तो इसलिए लॉग को एलन लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसमें से कोई भी एक प्रूवमेंट करिए सेम मेथड से, चाहे इन्फिनिटी के लिए करिए या जीरो के लिए करिए। अगर आप सेम आप लैम्डा एक्स के लिए करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर लैम्डा। तो देयर आर टोटल 4 केसेस, 1, 2, 3, 4, और ये आंसर जो होती है लिमिट 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म के जो आंसर होते हैं बेटा वो ई फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं आंसर, ई फॉर्म में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्किंग कैसे करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पे अप्लाई करना हो तो किस टाइप से करना होता है। देखिए वर्किंग, सबसे पहले हमने लेट किया कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और यहां पर फंक्शन है 1 + f(x)^(1/gx), वेयर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो fx की वैल्यू जीरो है एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो gx की वैल्यू भी जीरो है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। देखिए ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो 1 + 1/0 यानी 1/0 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ 1 है, इसको क्रिएशन करने पे देखिए अभी हम लोग ने लिखा था कि 1 + x^(1/x) हो तो ई आ जाता है। देखिए यहाँ पर 1 + x^(1/x) हो तो आंसर कितना प्रूव होता है, ई। तो यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ पर भी एफ एक्स होना चाहिए। देखिए ये दोनों सेम होंगे एक्स और एक्स, देखिए एक्स और एक्स ये एफ एक्स है तो ये भी एफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्किंग करी जाती है बेटा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + f(x). ठीक है, अब यहाँ पर ये एज्यूम कर लीजिए कि ये वैल्यू एक्स है तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा इंटू एफ एक्स हो जाएगा इंटू 1 इंटू 1/gx। तो इट मीन्स आपने क्या किया, इसे सेम बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया गया। देखिए ये एफ एक्स है, यहाँ देखिए एक्स और 1/x होता है तो यहाँ पर एफ एक्स है तो 1/x का मल्टीप्लाई, एफ एक्स का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ये वैल्यू जो है बेटा ई बन जाएगी। इतना वैल्यू क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, ई। तो अब यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और बन गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो बेटा ये कौन सी फॉर्म पे आ गया, 0/0। तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, ये वर्किंग फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप की वर्किंग है जब यहाँ पर हमें 1 गिवेन होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पर 1 गिवेन नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस पे 1 नहीं गिवेन होता है। ठीक है, तो देखिए केस बी है, बी हमें गिवेन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ओनली गिवेन होता है एफ एक्स की पावर 1/gx, वेयर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू जीरो है एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो gx की वैल्यू भी जीरो है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये केस में 1 होगी, सॉरी वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी, 1, तभी बनेगा 1 पावर इन्फिनिटी। ये वैल्यू 1 है और ये 1/0 तो बन जाएगा 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। क्या बन जाएगी, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, यानी एफ एक्स कितना आ रहा है, 0 रखने पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखा बेटा कि इस केस में 1 था, यहाँ पर 1 नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला जब ही बनता है जब 1 + x^(1/x) फॉर्म हो। देखिए कौन सी फॉर्म ली जाती है यहाँ पर, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + x^(1/x) फॉर्म को ई लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 ही नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर एक 1 प्लस कर लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इस क्वेश्चन पे 1 प्लस कर लेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर,
इसी कंस्ट्रक्शन करना होता है, जिस क्वेश्चन पे वन ना हो बट फॉर्म हो वन पावर इन्फिनिटी, तो उसके अंदर फंक्शन के अंदर हम वन प्लस कर लेंगे, वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वन ऐड एंड वन सब्ट्रैक्ट। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, डायरेक्टली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो ये जब सेम यहाँ पर होगा तभी तो ई लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और इनटू रह गया वन अपॉन जी एक्स। तो टोटल आंसर ये वैल्यू बन गई ई, ये वैल्यू क्या बन गई, ई बन गई। तो अब आ जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस वन अपॉन जी एक्स फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू वन है और जी एक्स की वैल्यू जीरो है, तो वन माइनस वन जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे देन आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए जैसा हमने यहाँ पे लिमिट जीरो के लिए किया है, यहाँ पे जीरो की जगह इन्फिनिटी लिमिट भी हो सकती है, तो वो भी वर्किंग प्रोसेस सेम रहेगा। अब हम बताने जा रहे हैं बच्चों आपको इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड में एग्जाम्पल कैसे करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस टू अपॉन x की पावर x। तो देखिए इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो और यहाँ पर 1 या इन्फिनिटी, तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस टू अपॉन एक्स, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x अपॉन टू इंटू टू अपॉन एक्स इंटू ऑफ एक्स। तो बेटा ये जो वैल्यू है वो e बन गई, ठीक है। तो e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, ये x से x कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, e की पावर 2। क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल बेटा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, दूसरा एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस सिक्स अपॉन x प्लस वन और x की पावर प्लस फोर, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखा हमने कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी पुट करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। कौन सी फॉर्म क्रिएट हो गई यहां पर, सिक्स बना, सिक्स की पावर इन्फिनिटी बना, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन जो है वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे काउंट नहीं हुआ। देखिए बन रहा है क्या, नहीं, बाद में करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। देखिए यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू एक्स स्क्वायर होल पावर वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप जीरो पुट करिए यहाँ पे, पहले यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा और यहाँ वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो देखिए मैंने जब क्वेश्चंस बताया कि यहाँ पर पहले सेपरेट में वन होना चाहिए, तो हम इसे ओवर राइटिंग में करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है मैडम। देखिए एलसीएम लेंगे, ब्रेक करेंगे, तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन से भी हम ब्रेक कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन से ब्रेक ना हो तो हम वन प्लस कर लेंगे और वन माइनस कर लेंगे। देखिए यहां पर वन क्वेश्चन से ही ब्रेक हो गया,
एलसीएम देखिए पार्सल फ्रैक्शन से लिख दिया मैंने, डिवाइड करके लिखा हुआ है। देखिए 1 + 2x² + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 और 3 5 हो जाएगा, सेम बन जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन में 1 होना जरूरी है इसलिए 1 को क्वेश्चन से ही आउट कर लिया। तो अब देखिए कितना बन जाएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 1 + 3x² / 1 + 2x², इसका रिवर्स फंक्शन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2x² / 3x² × 3x² / 1 + 2x² × 1/x². तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल करके e बन जाएगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 3x² / 1 + 2x² × 1/x², एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बट आप 0 पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर आएगा e की पावर 3। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म देखिए, देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू a 1 - a / 2 - a / x / 10 πx / 2a 10 πx / 2a। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर लिमिट a गिवेन है तो a / a 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर x का a से a कैंसिल 1 10 की पावर π/2 कौन सी फॉर्म बन गई, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट हो गई बेटा। अब 1 पावर इन्फिनिटी पे हम क्वेश्चन से ही 1 ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 2 को हम क्या लिख दें, 1 + 1 लिख देते हैं, ठीक है -a / x हो गया और यहाँ हो गया 10 πx / 2a। तो देखिए यहाँ पर हम इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ लिख सकते हैं 1 + x - a / x 10 πx / 2a। अब देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हमें यहाँ लेना होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा x / x - a × x - a / a × 10 πx / 2a। तो ये वैल्यू e बन जाएगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू a x माइनस a अपॉन a 10 πx / 2a। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर a पुट करिए तो यहाँ 0 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा π/2, तो ये बन गई 0 × ∞ फॉर्म। क्या बन गई, 0 × ∞। देखिए a पुट करिए 0 10 π/2, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन गई, 0 × ∞ फॉर्म बन गई पावर पर। ठीक है, अब इसे या तो 0/0 बनाना होगा या तो ∞/∞ बनाना होगा। तो बच्चों हम लोग इसमें ना देख रहे हैं कि लिमिट यहाँ पर a है तो इस लिमिट को 0 बनाना होगा। देखिए इसको हम अलग करके कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a अपॉन a, ठीक है 10 π/2 x / ठीक है, यहाँ पर हमने लिमिट को क्या ऐड किया x टेंस टू a और इस पर h ऐड कर दिया वेयर h टेंस टू 0। देखिए बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, जब तक लिमिट 0 नहीं होता तब तक 10 θ / θ1 नहीं होता, बहुत से बच्चे ट्राई नहीं करते और फार्मूला a के लिए भी सेम फार्मूला लगा देते हैं। तो लिमिट जब a है तो वैलिड नहीं है, 10 θ / θ1 जब ही बनेगा जब लिमिट 0 होगी। तो बेटा यहाँ पे लिमिट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 x की जगह पर a प्लस h माइनस a अपॉन a से कैंसिल हो गया 10 π / 2a और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस h। देखिए बन गया लिमिट s टेंस टू 0 h अपॉन a और यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा
पाई अपॉन टू ए से ए कैंसिल प्लस पाई एच अपॉन टू ए। तो देखिए टेन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे निगेटिव हो जाएगा। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एच और यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉट पाई एच अपॉन टू ए अपॉन ए। क्लियर हुआ, कॉट को रिवर्स करके लिख देते हैं, कॉट का उल्टा क्या होगा 10। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन ए और यहाँ हो जाएगा 10 पाई एच अपॉन टू ए। क्लियर हुआ बेटा, कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो कॉट का हमने न्यूमरेटर से शिफ्ट कर दिया डिनोमेटर पे। अब 10 थीटा अपॉन थीटा 1 बन जाएगा क्योंकि लिमिट यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो क्या करना होगा बेटा, यहाँ पाई एच अपॉन टू ए, यहाँ बट एच अपॉन ए है, तो हमें यहाँ पर माइनस यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई, तो पाई अपॉन टू का मल्टीप्लाई एंड पाई अपॉन टू का डिवाइड कर देते हैं, तो टू अपॉन पाई। क्लियर हुआ, यह हमने पाई अपॉन टू का मल्टीप्लाई कर दिया, पाई अपॉन टू अपॉन पाई का डिवाइड। तो अब बेटा ये माइनस है, ये वैल्यू वन हो गई, तो माइनस का टू अपॉन पाई आ गया। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, e की पावर माइनस टू अपॉन पाई। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चों इसका, e की पावर, इस टोटल वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू अपॉन पाई। तो दिस इज आंसर, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर माइनस टू अपॉन पाई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इस टाइप से हो रहा है एग्जांपल में, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x अपॉन थ्री और 1/x। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, जीरो पुट करिए, a नॉट 1, b नॉट 1, c नॉट 1, 1+1+1, 3/3 कट के क्या आया 1, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो देखिए इस क्वेश्चन पे भी वन नहीं है, तो यहाँ वन प्लस कर लेते हैं और वन माइनस कर लेते हैं। मैंने बताया था केस वन होता है, केस टू होता है, एक ऐसा भी केस होता है जिसमें हमें बाहर से वन ला करके प्लस करना होता है और माइनस करना होता है, और एक ऐसा केस होता है जो क्वेश्चन से ही ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से लाना पड़ेगा और यहाँ वन प्लस कर लिया, ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स, सी की पावर एक्स अपॉन थ्री और यहाँ 1 माइनस कर लिया, ठीक है, तो 1 प्लस 1 माइनस हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं बच्चों, a की पावर x 1 प्लस और यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेते हैं, a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x माइनस 3 अपॉन 3। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसका रिवर्स यहाँ पर होना चाहिए, तो 3 अपॉन a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x माइनस 3 इंटू a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x माइनस 3, ठीक है, अपॉन 3 और 1/x इंटू 1/x। तो बेटा ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू मिलकर के क्या बन जाएगी, e, ठीक है, ये टोटल 1 प्लस x की पावर 1/x क्या लिखा जाएगा, e लिखा जाएगा। तो यहाँ बन गया e की पावर लिमिट x टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स, सी की पावर एक्स माइनस 3 अपॉन 3x रह गया, जी हाँ, जीरो ए नॉट 1, बी नॉट 1, सी नॉट 1, 3 माइनस 3 0/0 फॉर्म बन गई। क्या बन गई बच्चों, 0/0 फॉर्म बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या लिखा जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू जीरो 1/3। अब इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, और लिमिट x टेंस टू जीरो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, log e बेस a होता है, यानी ln a,
ये फॉर्मूला लिमिट पे मैंने प्रूव कराया था, तो यहाँ पर ln a बन जाएगा या ln b, और यहाँ ln c बन जाएगा। तो कितना आंसर बनेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो ये हटा देते हैं, 1/3 यहाँ बनेगा ln a, ठीक है, ln b log का मतलब बेस e है, ln c, ठीक है, यहाँ ln c, और ये देखिए मल्टीप्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ln a b c, ठीक है, पावर आगे पहुंचा देते हैं तो e की पावर ln a b c की पावर 1/3, और देखिए यहाँ पर बेस e है और आप जानते हो प्रॉपर्टी में लॉग में ये 1 हो जाता है, तो आंसर क्या जाएगा, ए बी सी की पावर 1/3। क्लियर हुआ, आप इसे भी नोट कर लीजिए और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। देखिए हमने किया गया है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे 1 नहीं था तो 1 को प्लस किया, 1 को माइनस कर दिया, फिर हमने एलसीएम लिया है और देखिए बन गया 1 प्लस एक्स और पावर 1/x, तो इसे x एज्यूम कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू सेम होने पे e बन जाती है। अब ये टोटल वैल्यू इतनी रह जाएगी और यहाँ पे देख रहे हैं 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 में यहाँ पे हम हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते थे, बट कंस्ट्रक्शन से करेंगे तो ये केस भी बन सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, लिमिट x टेंस टू 7/2 और यहाँ पर लिखा है 2x² - 9x + 8 cot 2x - 7, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बाकी आपको देखते हैं एक और बताते हैं। 7/2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू 1 आएगी, अगर आप इसे पुट करेंगे 7/2 को तो यहाँ 1 आएगा, कैलकुलेशन करने पे 1 आएगा, और 1 पावर कॉट 0 इन्फिनिटी होता है तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। मैंने कैलकुलेट किया है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ 1 कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 नहीं है तो या तो क्वेश्चन से ब्रेक 1 कट कर लेते हैं, तो देखिए 8 है इसको हम यहाँ 1 कर लें और यहाँ 7, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन से ही अप्लाई कर लिया इस टाइप से बेटा, देखिए 1 + 2x² - 9x + 7, क्लियर, cot 2x - 7। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 7/2 1 प्लस, इसके फैक्टर भी लिख सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, 2 और 7, मतलब 2 और 7 पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हाँ अगर हम फैक्टर लिखें तो लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर 2x कॉमन होगा तो एक होगा 2x - 7, ठीक है, और एक फैक्टर होगा x - 1, ठीक है, राइट, माइनस माइनस प्लस दिस 1 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/2x - 7x - 1 (2x - 7x - 1)/1 और इंटू क्या रह जाएगा, cot 2x - 7, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, e, ठीक है, ये क्या बनेगी, e बन जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर लिमिट x टेंस टू 7/2 हो जाएगा और वैल्यू बचेगी 2x - 7x - 1 और इंटू cot 2x - 7। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 10, तो हम इसे 10 पे लिख देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर लिमिट x टेंस टू 7/2 2x - 7x - 1/10 2x - 7, cot का रेसिप्रोकल। अब बेटा देखिए कुछ फिर से बच्चे यहाँ पर 1 पुट कर देंगे क्योंकि थीटा अपॉन 10 थीटा अपॉन थीटा भी 1 होता है
और उसका रेसिप्रोकल भी वन होता है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो। तो जीरो पहले लिमिट चेंज करनी होगी, तो यहाँ पर लिमिट चेंज करना होगा, एक्स टेंस टू कितना है 7/2 प्लस एच कर दीजिए, वेयर एस टेंस टू जीरो, तो ये आएगा ई की पावर लिमिट एस टेंस टू जीरो। बेटा यहाँ पर 2x ये लिखा है ना, 2x, तो 2 इंटू एक्स ये आएगा 7/2 प्लस एच माइनस 7, और x की जगह पर आ जाएगा 7/2 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 10, और यहाँ पर आ जाएगा 7/2 प्लस एच माइनस 7। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2h हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर लिमिट s टेंस टू 0, 2h 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 7/2 यानी 5/2, तो यहाँ आ जाएगा 5/2 प्लस h अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 10 2h। ठीक है, अब देखिए बेटा ये थीटा और टेन थीटा ये मिलके 1 हो गया, h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो आंसर क्या जाएगा, ये 0 ये वैल्यू 1 हो गई, तो e की पावर 1 इंटू 5/2, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, e की पावर 5/2 आ गया। इसको भी नोट कर लीजिए, 1 पावर इन्फिनिटी के केस है बच्चों ये, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + ax + bx² होल पावर 1/x इक्वल टू e की पावर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए बेटा यहाँ पे पुट करते हैं 0 0 0 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म, यानी e में आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर करना होगा हमें लिमिट x टेंस टू 0 1 + ax + bx² इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो जाएगा 1 / ax + bx² इंटू ऑफ ax + bx² अपॉन 1 × 1/x इक्वल टू e की पावर 3। ये टोटल वैल्यू क्या बनेगी बेटा, e बन जाएगी, तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 ax + bx² अपॉन x इक्वल टू e की पावर 3। देखिए दोनों के बेस इक्वल हैं, 3 ई से ई कैंसिल हो जाएगा, दोनों के बेस इक्वल हैं, पावर इक्वल हो जाएंगी, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ax + bx² अपॉन x इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए x कॉमन लेके काट दीजिए, तो जाएगा यहाँ पर a x अपॉन x प्लस bx² अपॉन x इक्वल टू 3, ये x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, और x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो a प्लस 0 इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू तो 3 आ गई। ठीक है, अब b तो इसमें सेफ नहीं है ना, b तो कैंसिल हो गया, मतलब एलिमिनेट हो गया, तो a का वैल्यू 3 होगा, b बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, एनी रियल, क्यों, कुछ भी हो इंडिविजुअल हो जाएगा, तो यहाँ b बिलोंग्स टू क्या लिखा जाएगा, एनी रियल। तो देखिए बेटा ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, जो कि हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। दूसरा केस भी होता है बच्चों 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को, जिसे हमें कंस्ट्रक्शन से करना होता है। देखिए अदर्स एग्जांपल में आता है बेटा कि लिमिट x टेंस टू 0 है और यहां लिखा है 1 पावर, अदर्स भी हैं इसमें फॉर्म बेटा,
देखिए ऐसी और भी फॉर्म होती है जो वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म के साथ जीरो की पावर जीरो फॉर्म होती है एंड इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म भी होती है। देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पे या तो लॉग लेना होता है, लॉग लेके कर सकते हैं क्वेश्चन को, या कोई और मेथड कंस्ट्रक्शन मेथड से भी हम इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों हमने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एग्जाम्पल में है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है वन की पावर वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू की पावर वन बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेड डेड डेस एन की पावर वन बाई साइन स्क्वायर एक्स फुल पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो वन पावर वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या बनेगा टू की पावर इन्फिनिटी थ्री की पावर इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी बन रही है पावर जीरो, तो कौन सी फॉर्म बन गई इन्फिनिटी पावर जीरो फॉर्म आ गई। तो इस केस में जब इन्फिनिटी पावर जीरो है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इन्फिनिटी पावर जीरो फॉर्म में अगर हम बेटा यहाँ से इस टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर होगा, देखिए सीरीज इंक्रीज हो रही है वन टू थ्री सीरीज इंक्रीज हो रही, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा और हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं इस टाइप से। अगर हम n की पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो होल पावर क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो देखिए होल पावर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन n होल पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स 2 अपॉन n होल पावर साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, प्लस डेड डेड डेस यहाँ क्या रह जाएगा 1 क्योंकि मैंने इस टर्म को ही क्या ले लिया कॉमन। अब देखिए बेटा लिमिट पुट करिए यहाँ पर तो 1 अपॉन n पावर 0 ये इन्फिनिटी बनेगा ये इन्फिनिटी बनेगा तो ये वाला 1 रह जाएगा, और ये जानते हैं कि अगर a अपॉन b की पावर इन्फिनिटी हो तो ये वैल्यू 0 होती है इफ a लेस देन b होता है ना, a अपॉन b की पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0 इफ a लेस देन b, तो ये 0 a भी 0 ये वाला 1 बचेगा, तो लिमिट में यहाँ n आ गया बेटा ये वैल्यू n बची ये तो कैंसिल, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 लास्ट वाला 1 बचेगा और होल पावर 0, तो यहाँ आ गया n 1 पावर 0 यानी n आंसर, क्या आंसर आ गया n। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। और देखिए मैंने कुछ फॉर्म लिखाई थी, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, फॉर्मूला लिखाया था बेटा फॉर्मूला था कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स की सीरीज क्या होती है, तो मैंने इसकी सीरीज बताई थी e माइनस ई एक्स बाई टू प्लस 11 बाई 20 बाई 4 ई एक्स स्क्वायर माइनस डेड डेस डेस होती है, ये प्रूव भी किया जा सकता है इस सीरीज को, यहाँ पे वाई लेट करके लॉग लगा करके एंटी लॉग ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन टू, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बच्चों इस सीरीज में देखते हैं यहाँ 2 डिग्री का टर्म है तो हम इसको यहाँ तक ओपन करेंगे इस सीरीज को, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सीरीज वैल्यू रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई माइनस ई एक्स अपॉन टू प्लस 11 बाई 24 ई एक्स स्क्वायर माइनस डैश 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 माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल टोटल आंसर आ जाएगा 11 बाई 24 ई, क्लियर, देखिए इस वैल्यू का आंसर कितना आएगा 11 बाई 24 ई, ठीक है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में
क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। अब हम लोग इसके आगे की फॉर्म पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर की डिग्री इन्फिनिटी फॉर्म पे बड़ी होती है। आर बाई एन फॉर्म पढ़ने वाले हैं, समेशन फॉर्म पढ़ने वाले हैं। अभी काफ़ी फॉर्म बची हुई है लिमिट में, वो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे बेटा।